प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मार्च अंत तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले और तीसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का निर्माण कार्य 97% पूरा कर लिया गया है, जबकि चौथे चरण का निर्माण कार्य 99% पूरा हो चुका है। एनएचआई अधिकारी साफ कर चुके हैं कि मार्च अंत तक तमाम कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आएंगी। जैसा कि आपके संज्ञान में है, किसानों का काफी समय से आंदोलन चल रहा है और लगभग दिसंबर से ये काफी चरम सीमा पे आ गया था, तो किसानों के आंदोलन की वजह से सारे बॉर्डर्स हमारे सील कर दिए गए और बॉर्डर सील होने की वजह से हमारे मेटेरियल के आवागमन में और ट्रांसपोर्टर्स में काफ़ी परेशानी हुई। सिमिलरली यूपी बॉर्डर पे किसानों के आंदोलन की वजह से सेक्टर 62 तक पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जीरो हो गई। और अभी जब किसान हटेंगे उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा क्या डैमेज हुआ है, क्या खराबी हुई है, उसमें भी अभी हमारे पास एग्जैक्ट कितना समय लगेगा वो उसके बाद मालूम पड़ेगा। प्रथम चरण तृतीय चरण जो यूपी गेट से अपना सराय का लेखा वाला है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, डासना से हापुड़ वाला सेक्शन वो भी कंप्लीटेड है, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में काम चल रहा है। जो यूपी गेट से डासना वाला है ये लगभग 97% के आसपास काम हो चुका है और डासना से मेरठ वाले में 99% के आसपास काम हो चुका है, मात्र फिनिशिंग के छोटे मोटे काम बचे हुए हैं या कुछ रिएक्टिफिकेशन हैं जो हमारे क्वालिटी टेस्ट होते हैं, उस क्वालिटी टेस्ट में कुछ चीज़ें हमारी नॉर्म्स में नहीं बैठती है, राइडिंग क्वालिटी है या फिनिशिंग आइटम्स हैं, तो वी आर ऑन डूइंग रिएक्टिफिकेशन ऑन दैट। हमारे बहुत तेजी से काम चल रहा है और इस माह के अंत तक हम सारे काम पूरा कर रहे हैं। सर, टोल को लेकर क्या कुछ रहेगा? टोल के लिए इस बार हम एक नई टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव बना के भेजा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर ANPR सिस्टम। ये ANPR सिस्टम फास्टैग से लिंक रहेगा और इसमें किसी भी गति की सीमा से वही के लिए रिमूव करेगा, उसको कहीं रुकने के लिए कोई हिंड्रेंस करने के लिए किसी मैन बैरियर की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका फास्ट एक्सेल लिंक होगा, नंबर को हम रीड करेंगे और उसका अमाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा हमारे NHI के अकाउंट में। साथ में इसमें एक चीज और रहेगा कि जो लोग रूल्स को वायलेट करते हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स एक्सप्रेसवे परमिट नहीं है, उनके भी ई चालान जाएंगे। सिमिलरली जो एक्सिस हमने स्पीड लिमिट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है उस स्पीड लिमिट से ऊपर चलते हैं तो उनके लिए भी ई चालान जाएंगे, तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा और पब्लिक को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, स्मूथ निर्बाध आवागमन रहेगा। सही कहा जा सकता है कि अप्रैल से शुरू हो सकता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे? ये हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाए। आमतौर पर दिल्ली से मेरठ का सफर करने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद ये सफर महज 40 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। शहजादा विद ETV भारत, गाजियाबाद।